What are you saying? Assalamualaikum. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इंडिया में गुजरात से। तो गुजराती में अगर ये कहें कि आप बहुत अच्छे एक्टर, तो किस तरह कहेंगे? तमे बहुत सरस एक्टर छो। तमे बहुत सरस एक्टर छो। दोस्तों, ये गाड़ी है जिस पर मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से एफिल टावर के लिए, और आपको दिखाते हैं फ्रांस। आइएगा, मेरे साथ रहिएगा। और मेरे मेज़बान जो हैं फारूक साहब हैं, ये देखें, और इनके साथ एंजॉय करेंगे। आए मेरे साथ। दोस्तों, आज से पहले मैंने एफिल टावर की जितनी वीडियोस देखी हैं, सब में एफिल टावर को दूर से दिखाया गया है या फिर बाहर से, हो सकता है ये इत्तेफाक भी हो, मगर आज मैं आपको एफिल टावर के ऊपर लेकर जाऊंगा और ऊपर जाकर ये बुर्ज दिखाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको दुबई का बुर्ज खलीफा ऊपर से दिखाया था। पेरिस के दरियाए सैन के किनारे लोहे की ये बिल्डिंग एक अजीबो गरीब तासुर रखती है, जिसने पूरी दुनिया को अपने शहर में जकड़ रखा है। ये मुमकिन ही नहीं कि दुनिया भर से कोई सयाह पेरिस में आए और उसके दिल में एफिल टावर देखने की तमन्ना ना हो। मैं भी पाकिस्तान से निकलते वक्त तय करके आया था कि पेरिस पहुंचकर सबसे पहले एफिल टावर विज़िट करूंगा, और मैं अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए निकल चुका हूं। दोस्तों, एफिल टावर दुनिया का एक ऐसा अजूबा बुर्ज है जिसे आज तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोग विज़िट कर चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचान रखने वाला ये बुर्ज फ्रांस के इनकलाब की 100 साल तकरीबात के सिलसिले में होने वाले फेस्टिवल के मौका पर नुमाइशी दरवाजे के तौर पर बनाया गया था, जिसे उसके बाद ढा दिया जाना था, मगर ये आज तक बरकरार है और पूरी दुनिया में इसकी पहचान है। ये बरकरार क्यों है, इसको क्यों ना गिराया गया और इसको क्यों गिराना चाहते थे, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। पहले देखें एफिल टावर। दोस्तों, ये मेरे होस्ट हैं यहाँ फारूक साहब, और हम आज आपको दिखाएंगे एफिल टावर। जी जी, बिल्कुल एफिल टावर जा रहे हैं। और मैंने पाकिस्तानी शलवार कमीज पहन रखा है, ये देखें, पिशौरी चप्पल ही पहनी है, और तुसा भी लेता है। और यहाँ से कितना दूर है? तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट की वॉक। तो हमें कितनी मुश्किल से पार्किंग मिली, जरा बताइएगा। बस ये हमें कोई 3-4 चक्कर लगाने पड़े हैं। तो ये जो आपने 25-30 मिनट जाया किए, पाकिस्तान में होते तो क्या आप ऐसे ही करते? नहीं जी नहीं, बिल्कुल जहाँ पे खड़ी करते। थैंक यू सर। आए दोस्तों, हम चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेरिस में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पेरिस की ये गलियाँ हैं, और अब हम जाएंगे एफिल टावर की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ एफिल टावर। पेरिस में मेरे पीछे आप देखें, एक बड़ा खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, जहाँ पर फुहारे चल रहे हैं, जहाँ पर सयाह आए हैं पूरी दुनिया से, लोग इंजॉय कर रहे हैं, और बड़ा चिट्टा दुध वर्गा आज दिन ने गए, बड़ा खूबसूरत दिन। मेरे पीछे जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पूरी दुनिया से सयाह आए हुए हैं, और मैं अब आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ हर पाकिस्तानी जब भी फ्रांस आता है तो वो ज़रूर आता है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर ज़रूर आते हैं। जी हाँ, मेरे पीछे क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे मौजूद है एफिल टावर। जी हाँ, ये देखें एफिल टावर कितना खूबसूरत लग रहा है, मेरे पीछे मौजूद है वो, ऊपर आप देख रहे हैं एफिल टावर है। और एफिल टावर की हिस्ट्री मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसकी तारीख के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एफिल टावर सिर्फ बाहर से नहीं दिखाऊँगा, अभी मैं आपको एफिल टावर के ऊपर लेकर जाऊँगा। हम इसकी टिकट परचेज़ करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर से पूरा पेरिस आपको दिखाएंगे। और मेरे पीछे देखें, दिखाइएगा ज़रा, ये एक दरिया है पीछे, ये पीछे दरिया है, और दरिया के अंदर बहुत सारे शिप्स हैं, और ये सारे के सारे सयाह हैं। और अगर आप इस तरफ देखें पुल के ऊपर, तो यहाँ पुल के ऊपर भी सयाह आपको नज़र आ रहे हैं। एफिल टावर आप देख रहे हैं, और ये देखिए सारे सयाह यहाँ पर मौजूद हैं। और आए, मैं आपको लेकर चलता हूँ एफिल टावर के ऊपर। और बचपन में तस्वीरों में और वीडियोस में इसको देखा करते थे, आज अल्लाह ने मौका अता किया, मैं इसको आपको ऊपर से भी दिखाऊंगा, बाहर से भी दिखाऊंगा, यहाँ कितने टूरिस्ट आते हैं, इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ था, यहाँ पर एक साल में कितने टूरिस्ट आते हैं, ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो में। आए चलते हैं एफिल टावर के ऊपर।
दोस्तों यहाँ से चेकिंग के बाद हम आगे जा रहे हैं और हम यहाँ से टिकट खरीदेंगे और फिर आपको दिखाएंगे ये वाला टावर वो किड्डा ऊंचा है। ये देखें दोस्तों इस टावर के नीचे आप ये देखें ये दीवार है और इस यहाँ पर लोग टिकट्स लेने के लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन इस दीवार के ऊपर देखें लोगों ने बहुत कुछ लिखा है अपनी अपनी ज़बानों के अंदर। इसमें आपको बेतहाशा लैंग्वेजेस नज़र आएंगी, कहीं भी उर्दू लिखी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी मैं यहाँ कुछ लिखकर पाकिस्तानियों की तरफ से मोहब्बत का इजहार करूँगा और यहाँ पर उर्दू शामिल हो जाएगी। ये दो टिकट्स लिए हैं, 36 पाउंड का टिकट है, 36 यूरो का, और चूंकि टॉप फ्लोर जो है वो बंद हो चुका है, क्लोज़ हो चुका है, हालांकि इसमें शाम के तकरीबन 5 बजने वाले हैं, दिन बहुत देर से डूबता है यहाँ, लेकिन वो टिकट मौजूद नहीं था तो बामरे मजबूरी, क्योंकि आपको ऊपर से दिखाना था, टॉप फ्लोर पर नहीं लेके जा रहा, लेकिन इसका जो पहला या दूसरा तख्ता है वहाँ तक हम जाएँगे और ऊपर से देखेंगे इस टावर को। देख रहे हैं ये टिकट है और ये इस तरह से यहाँ पर चेकिंग होती है और हमने इनको टिकट दिखा के जाना है। व्हाट आर यू सेइंग? सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों इसे ये वेट ऊपर उठना शुरू हुआ है, ये देखें ये हाइड्रोलिक सिस्टम ऊपर होता जा रहा है, कितने कितने मोटे काबले लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये देखें और जूँ जी ऊपर जाएगा ऊपर से लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी। दोस्तों ये देखिए लिफ्ट आ रही है, शीशे के ऊपर बहुत गंद पड़ा हुआ उसकी वजह से नज़र नहीं आ रही सही तरह, लेकिन ये लिफ्ट आ चुकी है, देखें ये आ रही है और इसके ऊपर एक ऑपरेटर का स्टैचू लगाया गया जो कि सिर्फ स्टैचू है। ये लिफ्ट आई, ये देखें ये जो स्टैचू लगा हुआ है, ये देखिए ये लिफ्ट आ गई। अब ये दूसरे उस तरफ गेट से निकल जाएंगे ये लोग और इस तरफ से हम लोग दाखिल हो जाएंगे इस। ये देखें दोस्तों हम शाम दाखिल हो गए इस लिफ्ट में, हेलो, और ये देखें ये इस तरफ फ्लोर्स लिखे हुए, ये इसकी ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर चेंज हो गए मेरे ख्याल, ये ऑपरेटर चेंज हो गया, ये खातून थी अब ये आ गया, और ये देखें ये गेट बंद हो गया, ये देखिए, और ये अब देखेंगे ये ऊपर जाएगी, ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, और इस तरफ से अगर आप देखें तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये देखें ये, और ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये मीटर्स लिखे हुए आ रहे हैं शायद, और ये इसके अंदर मौजूद बहुत सयाह, और ये बाहर का नज़ारा अगर आप देखें, और ये है मीटर इसका जिसके ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है 650 तकरीबन 6.50 3.45, अब ये पता नहीं मीटर्स हैं या क्या है, लेकिन यहाँ तक आ गए हैं, और ये इसका पहला अर्श है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद हम इससे भी ऊपर जाएंगे, ये रुकी है अभी और ये फिर चल पड़ी, ये देखें ये मीटर है इसका जो हमें बता रहा है, और ये पूरा शहर नीचे नज़र आ रहा है बड़ा खूबसूरत, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, ये रुकी है यहाँ आकर, और ये देखें
ये हम रुक गए हैं और अब हम निकलेंगे उस तरफ से, ये वाला जो है इस गेट से हम बाहर निकलेंगे और आपको दिखाएंगे पेरिस। ये देखें दोस्तों, मैं एफिल टावर के ऊपर मौजूद हूँ और ये देखें, ओ माय गॉड, ओ मेरे खुदा, कितना खूबसूरत पेरिस का नज़ारा, ओ माय गॉड। और ये दरिया, ओ पुल, और ये देखें, ये है पेरिस। एफिल टावर पे जब आप आएंगे तो ऐसे आपको पेरिस नज़र आएगा, वो सामने देखें बिल्डिंग्स, खूबसूरत लेविश, ये है पेरिस। और ये यहाँ पर आए हुए सियाह, और ये टावर का ऊपर का नज़ारा दोस्तों, ये है पेरिस का एफिल टावर का ऊपर का नज़ारा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों मैं मौजूद हूँ एफिल टावर पे और फ्रांस के शहर पेरिस में ये मौजूद है। और ये देखिए जो पहिया चल रहा है, इसकी वजह से अब नीचे आएगी लिफ्ट। और ये वो लोग हैं जो टॉप फ्लोर पे गए। मैंने आपको बताया था टॉप फ्लोर जो है वो टोटली बुक हो चुका है, नहीं तो हम आपको इसको बिल्कुल टॉप फ्लोर पे लेकर जाते और वहाँ से आपको दिखाते एफिल टावर। ये यहाँ का हमला है। ये देखें लिफ्ट आ गई, ये लिफ्ट आ गई, अभी यहाँ से लोग उतरेंगे और यहाँ से निकल के जाएंगे। आए मैं आपको इसके दूसरे से भी दिखाता हूँ। जब आप इस तरफ आएँगे तो सारा का सारा लोहे का ही है और बड़ा हार्ड लोहा इस्तेमाल किया गया इसको बनाने में। और ये सामने देखें, यहाँ शॉप है इस सेकंड टॉप फ्लोर के ऊपर। यहाँ से आप खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं, यहाँ से आप जो है वो गिफ्ट्स भी ले सकते हैं अपने लिए। और यहाँ पर ये देखें, ख़रीदने वाले ख़रीदार भी मौजूद है और बहुत खूबसूरत एक सिलसिला है। और ये देखें, ये भी यहाँ पर लिफ्ट आती है, इस लिफ्ट पर भी लोग आते हैं। और जब आप यहाँ आएंगे, देखें बहुत सारे लोग सीढ़ियों से ऊपर आते हैं और ये इट इज़ हार्ड टू क्रैक, लेकिन नौजवान ऐसा करते हैं, सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। और ये देखिए सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं, मैं ज़्यादा नीचे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सारी लोहे की सीढ़ियाँ, ये देखें ये सीढ़ियाँ, यहाँ से लोग आते हैं चढ़ के और ये घिस चुकी हैं, लेकिन ये उन लोगों का काम है जो बड़े बाहिम्मत लोग हों। ये इसके पिलर्स हैं, सॉलिड लोहे के हैं और इसमें काबले देखे कितने वो हैं, बड़े बड़े काबले लगे हुए हैं। और ये नज़र आ रहा है मेरे पीछे, जी हाँ, ये इस तरफ जब आप देखते हैं तो ये है पेरिस, पेरिस का नज़ारा एफिल टावर के ऊपर से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरफ दूरबीनें भी लगाई गई हैं, अगर आप चाहें तो इन दूरबीनों के अंदर चंद कॉइंस डालें और यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पीछे बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, अगर आप देखें दरिया नज़र आ रहा है यहाँ से, और टूरिस्ट से भरी हुई एक कश्ती भी जा रही है। ज़रा आगे आइएगा, आगे आके अगर आप दिखाएं, आगे आएँ और आगे आएँ, ये देखिए दोस्तों टूरिस्ट की एक कश्ती भी है जो कि ये रही। यहाँ से अगर आप देखें, ये देखें टूरिस्ट की कश्ती है ये, और ये पेरिस का नज़ारा मैंने आपको एफिल टावर दिखाया ऊपर से। मेरे ऊपर सयाह है, देखें ऊपर दिखाइएगा ज़रा सयाह किस तरह से, और ये वो ऊपर तक एफिल टावर नज़र आ रहा है, लिफ्टें आ रही हैं नीचे, बड़ी रौनक है, बड़ी गहमा गहमी है और बड़े पीसफुल लोग हैं। मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा यहाँ आया कि बड़े पीसफुल लोग हैं और पूरी दुनिया से यहाँ लोग आए हैं, लेकिन कोई किसी से झगड़ नहीं रहा, कोई सख्त बात नहीं कर रहा, पुरअमन लोग। तो पेरिस की बड़ी खूबसूरती जो मुझे लगी, ये बड़े पुरअमन लोग हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक गिफ्ट शॉप भी है, ये देखें कितनी खूबसूरत गिफ्ट शॉप है। आप यहाँ से ये देखें छोटे छोटे मॉडल्स हैं और यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं तोहफे। और ये देखिए बड़ा खूबसूरत, और मैं आपको और दिखाता हूँ जब आप आएंगे ना, तो ये देखिए बन रहा, ये देखिए जी जब ये बन रहा था उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हो रही थी 1953, और किस तरह से इसको बनाया जा रहा था, ये उसकी एक छोटी सी मूवी है, किस तरह खड़े होते थे, किस तरह इसकी तामीर होती थी। और ये देखें, ये देखें
ये उसी दौर की इसकी शूटिंग की तस्वीरें हैं, ये इसको पेंट किया जा रहा है, ये देखें, ताकि इसको जंग ना लगे। और ये एक्सक्लूसिव जो चीज़ें हैं, ये देखें, ये इसकी तामीर का तरीका। और जब हम आगे आए तो आगे ये लिफ्ट है जहाँ लोग आ रहे हैं लिफ्ट के ज़रिए, और यहाँ पर खाने पीने की भी देखें सिलसिला है, खाने पीने का भी, और ये सारे लोग यहाँ से खा पी रहे हैं, और बड़ी खलकत है यहाँ, हर तरह के लोग हैं, टूरिस्ट हैं, हर दुनिया के तमाम मालिक साहब टूरिस्ट हैं। ये देखिए, ये भी गिफ्ट शॉप है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ द्रेसेन, पता नहीं मैं सही तलफ़ुज़ के साथ कह रहा हूँ कि नहीं, ये है जी द्रेसेन। और यहाँ पर देखें, ये टूरिस्ट की बोट्स हैं, ये द्रेसेन दूर तक जा रहा है, द्रेसेन के नज़ारे एफिल टावर के ऊपर से ऐसे आते हैं, और ये है पेरिस। दोस्तों, एफिल टावर पर जब आप चढ़ जाते हैं फ्रांस के शहर पेरिस के एफिल टावर पर, तो ये नज़ारे आते हैं। ये देखिए द्रेसेन, ये वो रोड जो एफिल टावर की तरफ आता है, और ये आप देखें टूरिस्ट से भरी हुई किश्तियाँ, जहाज़, ये है द्रेसेन। और ये देखें, ये दूर जा रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, इस पर कितने सारे ब्रिज बने हुए हैं। और ये नज़ारे देखने के लिए आपको आना पड़ेगा फ्रांस के शहर पेरिस में, तब आप देख सकेंगे नज़ारे। लेकिन आपका भाई आपको फ्री में घर बैठे नज़ारे करा रहा है। 1889 में ये फ्रांसीसी में लिखा हुआ है, इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और ये अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा हुआ है, ये कोई और ज़बान है, और ये चाइनीज़ में शायद लिखा हुआ है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एफिल टावर के ऊपर, और मैंने आपको बड़ी तफसील से दिखाया, बड़ी खूबसूरत धूप निकली हुई है और बड़ा मज़ा आ रहा है, और यहाँ पर सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर इस तरफ अगर आप देखें तो ये नज़ारा भी देखने के लायक है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, और वो दूर बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, नीचे द्रेसेन है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एफिल टावर पे। मैंने आपको दिखाया एफिल टावर, अब इसके ऊपर वाले पोर्शन में चलते हैं, आइए मेरे साथ। ये देखें, ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाएंगे ऊपर वाले पोर्शन में, लेकिन हम ना सीढ़ियाँ चढ़ेंगे ज़्यादा ना उतरेंगे। उसकी वजह ये है कि जिस तरह मेरी एज हो चुकी है, मुझे इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़नी चाहिए ना उतरनी चाहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस टावर का ये वाला पोर्शन। दोस्तों, अब ये देखें, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ये एफिल टावर के ऊपर का हिस्सा, ये ट्रेन नहीं, लिफ्ट, ये देखें लिफ्ट, और इसमें हम जाएंगे, लोग भी इंतजार में खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये इसका ऑपरेटर है, और ये इसका मीटर, ये देखें, और ये बाहर का हिस्सा। ये देखें दोस्तों, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, एफिल टावर से नीचे की तरफ के मनाजिर आप देख रहे हैं। ये देखें, ये देखिए पेरिस ऊपर से ऐसे नजर आते हैं एफिल टावर के। ये देखें काउंटर चल रहा है, ये देखिए। Mesdames et messieurs, si vous souhaitez la visite du premier étage, du first floor, vous êtes... दोस्तों, मैं जो सेकंड लास्ट फ्लोर था वहां से अब पहले फ्लोर पे आ गए हैं। हमारे पास क्योंकि इससे ऊपर का भी टिकट है, तो यहाँ भी हम आ सकते थे। ये देखिए, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं और सैलून है, क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। और आ जाएँ तेज़ी से आ जाएँ। ये देखिए, ये वाला यहाँ से ये पहला तख्ता है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बने हुए बड़े बड़े खूबसूरत, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये चीज़ आप मिस करते अगर आप यहाँ ना आते। ये देखें, पीछे खाने पीने की जगहें हैं, बड़ा खूबसूरत हल्का सा म्यूज़िक चल रहा है, बड़ी आला किस्म की धूप है, और ये धूप बड़े अरसे बाद निकली है पेरिस में, और यहाँ पर लोग भी बैठे हुए हैं। और ये देखें ऊपर लोहे का एक मीनार, कितना बड़ा एफिल टावर। और यहाँ और क्या क्या है मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ, और आगे लेके चलते हैं। एफिल टावर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, वो देखिए कुछ लोग पैदल, ये देखें ये जवान के बच्चे
पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं ऊपर से, और ये एक्टिविटी मेरे जैसे बूढ़े नहीं कर सकते। और ये देखें ये, और इस तरफ अगर चलें ये देखें, यहाँ पर एक सिनेमा हॉल सा भी है, पता नहीं क्या है, इसके बारे में पता करते हैं ये क्या है। बड़ा खूबसूरत ये एफिल टावर के अंदर, ये एक सरकारी जिसको कहते हैं ऑफिशियल, ये एक आउटलेट है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं ये सारी एफिल टावर की हैं। और ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर ये मेडल्स भी हैं, कुछ उनके नाम भी हैं। और ये देखें, बड़ी नायाब चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी ले सकते हैं, और यहाँ से आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं ख़रीदारी। तो एफिल टावर की ये चीज़ें आपने पहले नहीं देखी होंगी। दोस्तों दूर जो आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं इसको लारी फंस कहते हैं, ये दिफाई वाले से यहाँ दफ्तर हैं। और ये देखें ये कितना खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। और फिर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये रोड आता है एफिल टावर की तरफ। और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, इस तरफ देखें दूर तक दरिया में किश्तियाँ चल रही हैं। ये देखें ये सयाहों का एक छोटा सा शिप आ रहा है, ये देखिए। और ये नीचे सयाह जो एफिल टावर के नज़ारे करने आए हैं। और ये एफिल टावर का ऊपर का इलाका जो मैंने आपको दिखाया, ये देखें यहाँ पर ये लोग पैदल आ रहे हैं जी, ये पैदल आ रहे हैं। और ये बड़ी बात है, ये पैदल नीचे तक जाएंगे। ये देखें ये पैदल आ रहे हैं, मेरे ऐसे तो पैदल नहीं आ सकते। एफिल टावर के ऊपर बहुत कुछ है देखने के लिए, और मैंने कोशिश की, मैं जितना आपको दिखा सकता था मैंने आपको दिखाया है। और ये देखें रेस्टोरेंट्स, ये भी एक रेस्टोरेंट है ये ऊपर, ये देखें ये भी रेस्टोरेंट है। और ये एफिल टावर का नीचे का हिस्सा, और अगर हम नीचे देखें तो ऐसे नज़र आता है। ये देखिए, ये देखें नीचे लोग, इसको और क्लोज किया तो ये नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ देखें तो ये पानी का ज़खीरा सा भी है। और ये देखें, ये देखें एफिल टावर के ऊपर से ये नज़ारे आते हैं जो यकीनन आपने पहले नहीं देखे होंगे। ये देखें, ये देखें दोस्तों, मेरा सारा दिन लगा यहाँ पर इस वीडियो को बनाने में, और मेरा ख्याल है सबसे यूरोप में सबसे महंगा तरीन वीडियो यही होगा। और ये देखें एफिल टावर पेरिस। दोस्तों एक वो मॉन्यूमेंट था जो मैंने एफिल टावर के ऊपर से आपको उस तरफ दिखाया जिस तरफ दरिया है, दूसरा नज़ारा यहाँ से ये वाला आता है। ये देखें, ये देखें, मुन्ने मुन्ने से लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप हैरान होंगे जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये देखें कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर सयाह मौजूद हैं जो अपनी अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें मुन्नी मुन्नी बिल्डिंग है, और ये एफिल टावर से पेरिस ऐसा नज़र आता है। ब्यूटीफुल सिटी ऑफ लाइट्स पेरिस, ऐसा नज़र आता है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने आपको दूसरा रुख दिखाया, और जब आप इस तरफ जाएंगे और यहाँ आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये देखिए एफिल टावर के अंदर मौजूद हूँ मैं। दोस्तों ये देखें, ये वो रास्ता है जिससे आप आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन है 1887 से 1889 तक। ये वाला कलर था रेड, 1889 में इस टावर का ये रंग हो गया, 1892 में ये वाला कलर आ गया जिसको मस्टर्ड कहते हैं, 1899 में थोड़ा सा मस्टर्ड को बदल दिया गया, फिर 1947 तक, 47 तक, जब तक पाकिस्तान बना ये कलर रहा। 1954 में ये वाला एफिल टावर को कलर कर दिया गया,
1961 के अंदर ये कलर था, फिर ये 86, 75, 82, 88, 96, 2002, 2009 तक ये वाला कलर था इस बिल्डिंग का, एफिल टावर का, और 2021 में ये कलर था। तो मैंने आपको दिखाया एफिल टावर, बड़ी मेहनत की है मैंने इस वीडियो को बनाने में और बड़ा टाइम लगा है। मुझे दीजिए इजाज़त इस तारीखी एफिल टावर की पहली मंजिल से, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों मैंने वीलॉग तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हम फनकार दाद के भूखे होते हैं और खुदनुमाई का शौक़ हर आर्टिस्ट को होता है। तो बहुत देर से एक फैमिली मुझे देख रही थी यहाँ पर, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है और गुजरात से है, और इन्होंने मुझे पहचान लिया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी तबस्सुम। तबस्सुम क्या कह रही थी अभी आप मुझे? जी बस कब से आपको देख रही थी, कब से ऐसा लगता है कहीं देखा हुआ है, जाना पहचाना लगता है, लेकिन समझ नहीं आता है। लेकिन फिर आपसे पूछा तो पता चला कि आप परिजात में काम कर चुके, और मैंने परिजात सीरीज पूरी देखी थी, बहुत मजे की थी, बहुत अच्छी लगी थी। आप इंडिया में गुजरात से? जी मैं इंडिया में गुजरात से हूँ। तो गुजराती में अगर ये कहें कि आप बहुत अच्छे एक्टर, तो किस तरह कहेंगे? तमे बहुत सरस एक्टर एक्टर छो। तुम बहुत सरे एक्टर छो। सरस एक्टर छो। दोबारा कहें? तमे बहुत सरस एक्टर छो। तमे बहुत सरस एक्टर छो। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहेंगे? जी आपको देखा तो लगा कि आप पाकिस्तान से है, ये मुझे पूछ रही थी कि नहीं इंडिया से। मैंने कहा नहीं पाकिस्तान से, आपकी सीरीज बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा रोल किया था, माशाल्लाह काफी अच्छा था। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम आर्टिस्टों को जब इस तरह दाद मिल जाती है ना, तो दिल इतना बड़ा हो जाता है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी खैर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू।